जिस तरह से इन्होंने गुजरात में नरसंहार कराया और उत्पीड़न कराया, गुंडागर्दी कराया, क्रूरता से पेश आए, तो वो सारे लक्षण तो दिखते ही हैं। और वो लक्षण कमोबेश अभी भी है, तड़ीपार की संज्ञा से जाने जाते हैं। और लोया मर्डर केस में भी उनका नाम आया। तो वर्तमान स्थिति में उस तरह का तो नहीं हो सकता जो पहले तलवार भांजी जाती थी, लेकिन चरित्र वही है, क्रूरता वही है। लेकिन सर, कभी उद्धव ठाकरे या फिर शिवसेना भाजपा की सहायक पार्टी रह चुकी है, इतनी खटास क्यों पनपी कि उद्धव ठाकरे ने देवेंद्र फडणवीस जो उप मुख्यमंत्री हैं उनको लेकर कहा या तो आप रहोगे या मैं रहूंगा। राजनीतिक तौर पर उन्होंने देवेंद्र फडणवीस की तुलना खटमल से की, देवेंद्र फडणवीस ने पागल जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया उद्धव ठाकरे की, इतनी राजनीतिक खटास क्यों बढ़ गई है दोनों पार्टियों के बीच? देखिए, ऐसा है कि वैचारिक मतभेद जरूर होते हैं, लेकिन व्यक्तिगत स्तर पर नहीं उतरना चाहिए। और लेकिन जिस तरह से शिवसेना के पीठ में छुरा घोंपा है तो दर्द झलकता है। शिवसेना कभी बड़ी पार्टी हुआ करती थी। भारतीय जनता पार्टी शिवसेना के कंधे पर चढ़ करके वहाँ सत्ता में भागीदार बनती थी। और उसी शिवसेना को इन्होंने दो टुकड़े में कर दिया। इन्होंने तो जेडीयू, जो अपने आप अपने करीब अपने बूते सरकार बनाती थी और उसकी 100 से ऊपर सीटें होती थी, और इधर लोक जनशक्ति पार्टी के नेता को उनके खिलाफ, नीतीश कुमार के खिलाफ भड़का करके 40-45 सीट पर ला दिए, तो उधर जनता दल यू को बर्बाद किया, इधर अकाली दल को बर्बाद किया। तो उद्धव ठाकरे का दर्द हम समझ सकते हैं। और कभी कभी ऐसा होता है जिसके पीठ में छुरा ऐसा भोंका गया हो तो ऐसा महसूस कर सकता, वो दर्द निकल के आता कि भारतीय जनता पार्टी जिसके साथ में इनका समझौता होता है, उठना बैठना होता, उसका सत्यानाश कर देते। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel, ABP Live Premium.